और वहां सिरोंज से हमारे सहयोगी फरहान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरहान, मतदान केंद्र में आप हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है मतदान केंद्र में, किस तरह की व्यवस्था है, लोगों में कितना उत्साह है मतदान को लेकर? बता दूं कि आज तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। जैसे ही घड़ी के पैमाने ने 7 का अंक छुआ, वैसे ही मतदान केंद्रों के अंदर से ईवीएम की वीप की शोर अब सुनाई देने लगा है। इस समय हम सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर बूथ क्रमांक 211 पर इस समय हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग अभी मतदान शुरू हुए 1 घंटा ही बीता है, लेकिन लंबी कतारें यहां पे लगने लगी हैं। इतना ही नहीं, पुरुषों के अलावा महिलाएं भी अब घर से बाहर निकली हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। यदि महिलाएं इस समय अगर बाहर निकली हैं तो निश्चित तौर पे ये किया जा सकता है, ये माना जा सकता है कि मतदान को लेकर के लोग काफी जागरूक हैं। महिलाएं क्योंकि इस टाइम घर गृहस्थी का टाइम होता है, बच्चों को तैयार करना है और भी काफी काम रहते हैं, लेकिन इस समय अगर महिलाएं निकलकर बाहर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रही हैं, और ये जो चल रहा है चुनाव में वो अपनी भागीदारी निभा रही हैं। और हम लोगों से भी चर्चा करेंगे, क्या कहते हैं अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं आप, क्या आपका तो लोग आ चुके हैं यहाँ पर मत का अपना प्रयोग करने के लिए, और काफी हुजूम देखा जा रहा है सारे मतदान केंद्रों पर। इस समय लंबी कतारें लग चुकी हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि सिरोंज का जो तापमान है, जो गर्मी का मौसम है, इसको लेकर के भी लोग सुबह के टाइम अपना वोट डालेंगे, और हो सकता है कि दोपहर में ये वोट प्रतिशत कुछ गिरावट दिखाई दे, इसके बाद शाम को एक बार फिर लंबी कतारों का सामना करना पड़े। महिलाएं भी पहुंच चुकी हैं, वोट डालना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है वोट डालना। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर के आज आप अपना सांसद चुनने वाले हैं? कहा के मुद्दे हैं साहब, वो तो कुछ कोई की सरकार कुछ नहीं करेगा। कहा के मुद्दे? एक तो नेशनल मुद्दे होते हैं पूरे भारतवर्ष के, एक स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो किसको आप ज्यादा देखेंगे स्थानीय मुद्दों को? स्थानीय मुद्दों में हम अगर बात करें तो कौन ऐसे मुद्दे हैं जी नहीं बता पा रहे हैं? हम और भी लोगों से चर्चा करेंगे, स्थानीय मुद्दों को देखेंगे या नेशनल मुद्दों को देखेंगे? वोट डालना जरूरी है। वोट आप डालने आए हैं, सुबह के टाइम आए, कितना महत्वपूर्ण है वोट देना? जरूरी है। आप क्या क्या कहना है, कितना जरूरी है? साहब हमारा अधिकार है। बिल्कुल, महिलाएं पहुंच चुकी हैं, हम पुरुषों के अलावा महिलाओं से भी बात करेंगे कि उनका कितना जरूरी है वोट डालना। बहुत जरूरी है वोट डालना। क्या संदेश देंगी आप महिलाओं के? बहुत जल्दी आप आ गई हैं, तो आप युवाओं को या जो लोग वोट नहीं डालते उनको क्या संदेश? सभी को वोट डालना चाहिए, बहुत जरूरी होता है वोट डालना। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, कौन मुद्दों को लेकर? बस तो बिल्कुल इस समय हम खड़े हैं यहाँ पर, वार्ड क्रमांक 7 की वोटिंग होती है, बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग इस समय सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। अभी युवाओं की अगर हम बात करें तो युवा उतनी तादाद में नहीं आए, हो सकता है कि 11-12 बजे के बाद युवाओं की भीड़ लगना भी यहां पे शुरू हो जाए। आप मेरे साथ देख सकते हैं ये जी फरहान, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहां पर। तो ये सिरोंज से हमारे सहयोगी फरहान हमारे साथ जुड़े थे। लोगों में काफी उत्साह है, सुबह से ही काफी लंबी लाइनें लगी हैं। लोकसभा चुनाव में आमतौर पर इतना उत्साह लोगों में देखने नहीं मिलता, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक दिख रहे हैं अपने मतदान को लेकर। तो चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और फिर जल्दी लौटेंगे और बने रहेंगे आज दिन भर मतदान को लेकर। मतदान आज दिन भर सुबह 7 से लेकर शाम के 6 बजे तक है, और टीवी 24 लगातार आपको हर चीज से, हर खबर से अपडेट करता रहेगा।